गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे डर क्यों लगवा रहे भाई? चलो फर्स्ट टॉपिक, हाँ करेंट्स का फर्स्ट टॉपिक। टेन इयर्स ऑफ तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना के फॉर्मेशन के 10 साल पूरे हो गए हैं 2014 में। किससे अलग हुआ था तेलंगाना? हैदराबाद कौन सा स्टेट है? हाँ भाई, ठीक है, वहां से अलग हुआ था तेलंगाना। अब यहां से इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, बात मत करो सुनो, यहां से इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कोई भी स्टेट अलग कैसे बनाया जाता है, किसी स्टेट को डिवाइड करके कैसे बनाया जाता है। क्लास में ये प्रॉपर हम पढ़ा रखे हैं, है ना? कौन सा आर्टिकल यूज होता है? कितने थ्री वाले हो, कितने टू वाले हो? थ्री वाले हाथ ऊपर करो, टू वाले हाथ ऊपर करो। कोई नहीं, खत्म, मेजॉरिटी देख के डर गए। कितने लोग एनडीए के साथ जा रहे हो, मतलब आर्टिकल थ्री के साथ कितने लोग जा रहे हो? ठीक है, आर्टिकल थ्री सही होता है ना, आर्टिकल थ्री पावर देता है। आर्टिकल थ्री बात करता है किस चीज का? बात, यार अगर तुम लोग बात करोगे तो हम कैसे बोलेंगे, है ना? मेरी भी बात जानी चाहिए वहां तक, तभी हम यहाँ पे खड़े हैं, है ना? तो सुन लो हमको, तुम लोग अभी क्लास के बाद बात कर लेना। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लिखो, उसमें लिखो आर्टिकल थ्री। आर्टिकल थ्री जो है वो बात करता है इंडिया के किसी भी स्टेट का नाम चेंज करने का, इंडिया के किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज करने का, या इंडिया का कोई भी एक स्टेट को डिवाइड करके एक से अधिक स्टेट बनाने का। उठा लो तुम लोग कैमरे का फायदा बताते, हो गया आर्टिकल थ्री। आर्टिकल थ्री समझा रखे, उसको डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, बस लिख देना यहाँ पे इस वाले में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में मेंशन कर लेना आर्टिकल थ्री एंड देन आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 किस चीज की बात करता है? सॉरी गलत पॉइंट हो गया इसमें, नहीं आर्टिकल थ्री, और इससे रिलेटेड एक है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में क्या बात होता है? सिंपल मेजोरिटी से ये सारी चीजें पास हो सकती है ना। आर्टिकल 2 या 3 में जो भी चेंज कर रहे हैं सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा। एक तो ये सिस्टम हो गया, और दूसरा यहीं से इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसी में सब टॉपिक ऐड कर लेना, SRC, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन। मे भी ये तुम लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट ना हो, बट अगर न्यूज में दिख जाए तो इसको इग्नोर नहीं करना है। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन, SRC 1953। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953, 1953 में बनाया गया था स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन। इसका पर्पज ये था, एक छोटी सी कहानी सुनो, कि इंडिया जब आजाद हुआ था उस समय इंडिया, जैसे आज प्रेजेंट टाइम इंडिया के टेरिटरी कितने पार्ट में डिवाइड है? इंडियन टेरिटरी, इंडिया का जमीन कितने पार्ट में डिवाइड है, कितने टाइप में डिवाइड है बताओ? कौन सा? थ्री, आइलैंड स्टेट होते हैं, आइलैंड अलग से पार्ट होते हैं, अंडमान एंड निकोबार क्या है? स्टेट एंड यूटीज, ठीक है। इंडियन टेरिटरी दो पार्ट में डिवाइड है, आज स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ठीक। जिस टाइम पे इंडिया आजाद हो रहा था उस टाइम पे चार पार्ट में डिवाइड था, पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, ठीक है। फोर टाइप का इंडिया के स्टेट्स का क्लासिफिकेशन था। ये वाला जो SRC है 1953, इसके जो हेड थे फजल अली, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन। यहीं से आज प्रेजेंट टाइम का स्टेट और यूनियन टेरिटरी का कंसेप्ट निकल के आता है। आज हम इंडिया के पूरे लैंड मास को दो पार्ट में रखते हैं, या तो स्टेट है या तो यूनियन टेरिटरी है। तो ये कमीशन के ही रिकमेंडेशन पे बनाया गया था स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ठीक है। एक पॉइंट इसमें ऐड कर लेना, दिस कमीशन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। दिस कमीशन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। क्रिएशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, दिस कमीशन
वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। एक बार फिर से सुन लो, इसमें हम लोग क्या पढ़े हैं, तेलंगाना के फॉर्मेशन के 10 साल हो गए, ठीक है, तो 10 साल हो गए तो वहां से क्या क्या हम लोगों के लिए जरूरी हो सकता है ये पता होना चाहिए। तो तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश को अलग करके बनाया गया, तो फिर एक स्टेट से अलग करके दूसरा स्टेट बनाने का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 3 उसके बारे में बात करता है, ठीक है। अब ये करने के लिए क्या क्या प्रोविजन होता है, तो आर्टिकल 4 बात करता है, सिंपल मेजोरिटी से इसको पास हो सकता है ये बिल, ठीक है, पहला चीज हो गया। दूसरा चीज कि आज प्रेजेंट टाइम का जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी का कंसेप्ट है ये कहां से आता है, एसआरसी से आता है, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953, ठीक है, इसी के रिकमेंडेशन पे स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट बन करके आता है 1956, जहां से सारे जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी बन के आते हैं। उस टाइम पे इंडिया में 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बन करके आए थे, ठीक है, इसके रिकमेंडेशन पे। ये तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक इन्फॉर्मेशन बता दे रहे हैं। हाँ बताओ, बोलो बोलो। फजल अली इसके हेड थे इस कमीशन के, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में से हो गया, सबको क्लियर है, किसी को डाउट इसमें? फजल अली इसके हेड थे, इस कमीशन के हेड थे, इसको फजल अली के नाम से, फजल अली कमीशन के नाम से जाना जाता है। क्या हुआ? इस जब इंडिया फ्री हुआ था उस टाइम पे 4 टाइप के थे, देखो ए बी सी डी, 4 स्टेट, ऐसे नहीं बोला जा रहा था कि स्टेट या यूनियन टेरिटरी, बोला जाता था स्टेट अंडर पार्ट ए, स्टेट अंडर पार्ट बी, सी डी। फॉर एग्जांपल इसमें आई थिंक 10 थे, 10, 9 एंड 1, इसमें अंडमान एंड निकोबार था, 10 स्टेट इसमें, 10 इसमें, इसमें 9, इसमें 1, इस तरीके से बनाया गया था, यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार था, ठीक है। आज हम लोग इंडियन टेरिटरी को 2 पार्ट में बोल देते हैं ना, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक लिखो ओपेक, कोई बताएगा फुल फॉर्म ओपेक? ऑयल क्या? जो ऑयल कंट्रीज है, ठीक है, हाँ, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग तक थोड़ा सा और जोड़ लो, अभी पहुंच जाओगे, थोड़ा थोड़ा सारे लोग मिल जाओ अभी आपस में, मिलाओ मिलाओ। ओ से क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन। आगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, है ना, वो रस्सी क्या होता है, धागा धागा बन के मिलके रस्सी बन जाता है ना, थोड़ा थोड़ा मिलाओगे तुम लोग बन जाओगे रस्सी। हाँ भाई, किसका नोटिफिकेशन आ रहा है, किसको नहीं पता है कि इस टाइम क्लास होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, हो गया, फुल फॉर्म लिखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे जितना पेट्रोलियम एक्सपोर्ट होता है या पेट्रोलियम कंट्रीज जो है जहां पेट्रोलियम पाया जाता है उन कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है। उनमें आपस में ये होना चाहिए कि यार किस हिसाब से रेट तय करना है और किस हिसाब से बाकी कंट्रीज को ऑयल पहुंचाना है, उसके बारे में ये बात करता है, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से पढ़ते हैं? हेडक्वार्टर, ठीक है, हाँ, तो लिखना स्टार्ट करो। हेडक्वार्टर इसका, हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया, वियना, एस्टेब्लिशमेंट कब एस्टेब्लिश हुआ था वो भी मेंशन कर लो, नाइनटीन सिक्सटी, मेंबर्स 12, क्या हुआ, कौन है भाई, कौन बोला है, कौन बोला इंडिया इंक्लूड था, खड़े हो, क्यों बता सकता है कौन था, कुछ तो बुद्धि लगा लो, तुम बोले हो, अरे यार कॉमन भाई, ऑयल एक्सपोर्टिंग, इंडिया कहाँ से ऑयल बना रहा है, हमारे यहाँ पेट्रोलियम नहीं हो रहा है, मजाक कर रहे, परेशान ना होना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी बता रहे। ये जो 12 मेंबर्स है इसमें मोस्टली गल्फ कंट्रीज के मेंबर्स हैं, यूएई हो गया, ठीक है, इराक हो गया, वो सारे मेंबर्स हैं। फिर इसी का एक्सटेंशन करके बनाया गया, ये यहां तक सबका हो गया ना, ठीक है, इसी का एक्सटेंशन करके बनाया गया ओपेक प्लस, ठीक है,
इसमें 10 और मेंबर्स को ऐड किया गया था, उसी के आगे नेक्स्ट पॉइंट में ऐड करोगे ओपेक प्लस, ओपेक प्लस। जिसमें रसिया, मैक्सिको इन सबको ऐड किया गया है ओपेक प्लस, और ये ऐड बनाया गया है 16 में ओपेक प्लस। इसमें लिख लेना ओपेक मेंबर्स प्लस 10 अदर मेंबर्स, ओपेक मेंबर्स प्लस 10 अदर मेंबर्स। एक एक मेंबर्स का नाम नहीं लिखवा रहे, तुम लोगों को जानने का शौक होगा, नाम जा करके एक बार देख लेना, ठीक है। अभी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम इतना मेंबर्स का नाम एक एक नहीं बता रहे हैं। ओपेक है क्या चीज ये पता हो जाना चाहिए, ओपेक प्लस क्या है, इसमें 10 मेंबर्स हैं, ओपेक प्लस के मेंबर्स को जान सकते हो, जैसे कि रसिया हो गया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या रसिया इसका पार्ट है, तो रसिया पार्ट है, ठीक है। नहीं, यूक्रेन पार्ट नहीं है, नहीं इस बात को याद रखना, यूक्रेन इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। रिया, बांग्लादेश पार्ट हो सकता है, क्यों, ठीक है, क्लियर है। दोनों पॉइंट सबको समझ में आ गया, करेंट इतना ही है, बताओ किसी को डाउट है किसी में। गल्फ कंट्री मतलब कि देखो ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ से ईरान दिख रहा है, ठीक है, ईरान, इराक, और यहाँ पे पूरा यूएई, ओमान, यहाँ पे छोटे छोटे गल्फ बनते हैं, ठीक है। यहाँ एक द ग्रेट द गल्फ के नाम से भी एक गल्फ है, और छोटे छोटे गल्फ बनते हैं, इनको मिला करके कलेक्टिवली गल्फ कंट्रीज बोलते हैं। गल्फ कंट्रीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि कुछ चीजें इसमें बहुत कॉमन है, फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम कंट्रीज, ठीक। और मेनली जब हम टर्म यूज करते हैं गल्फ, तो वो पेट्रोलियम बना रहे होते हैं, यहाँ पे पेट्रोलियम पाया जाता है, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे यहाँ पे गल्फ बनते हैं ना, गल्फ समझ में आता है ना, वो इनक्लोज सा स्ट्रक्चर, इसीलिए इसको गल्फ कंट्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ द गल्फ भी पाया जाता है, क्लियर है। क्या हुआ, वियतनाम इसमें नहीं आएगा, वियतनाम तो इधर है ना, ईस्ट इंडीज में, वियतनाम इसमें क्यों नहीं आएगा। वियतनाम ईस्ट इंडीज का पार्ट है, ठीक है, या एशियान का बोल सकते हो, एशियान कंट्रीज का, ठीक है। करंट आज के लिए इतना।